हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बीटीएससी की तरफ से एक और नया अपडेट आ गया है डॉक्टर रिजल्ट से संबंधित। डॉक्टर के रिजल्ट अब आप लोग को इस दिन रिलीज कर दिया जाएगा, इस दिन पब्लिश कर दिए जाएंगे। साथ ही जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट के रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला है आज, उसका क्या मामला रहेगा, कहाँ तक केस लिस्टिंग हुआ है, चलिए जानते हैं केस स्टेटस, केस डिटेल्स 31/88 का, साथ ही डॉक्टर के रिजल्ट के। तो चलिए वीडियो को हम शुरू से ही बताते हैं। स्टार्ट करके बता दूँ सबसे पहले कि राज्य के अस्पतालों में तैनात होंगे 6296 नए डॉक्टर। 6296 डॉक्टर का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब इनका रिजल्ट लेना देना बाकी है, उसके जस्ट बाद इन लोगों को बहाल कर दिए जाएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ कि 6296 नए डॉक्टरों की तैनाती होगी, स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त डॉक्टरों की सेवा प्राप्त होगी, यानी कि 3706 विशेषज्ञ डॉक्टर और 2590 सामान्य डॉक्टर शामिल है इसमें, यानी कि टोटल 6296 नए डॉक्टरों की यहां पर बहाली होना है। यहां पर हम आपको बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को नए डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर के अधियोचना भेजी गई थी। तकनीकी सेवा आयोग ने डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा कर ली है। आयोग से डॉक्टर की नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होते ही सभी डॉक्टरों की पदस्थापना सरकारी अस्पतालों में कर दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्लियर बता दिया है कि बीटीएससी का जो डॉक्टर की काउंसलिंग की प्रक्रिया था वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब इन लोगों का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ऐसा बीटीएससी की तरफ से न्यूज भी आ रहा है। और मंगल पांडे खुद इन डॉक्टरों को बहाली करने के लिए, जो कि स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री है, उनके द्वारा इनको नियुक्त किया जाना है। इसलिए इनका रिजल्ट अब आप लोग को इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बता दूं केस नंबर 3188 जो कि जूनियर इंजीनियर 2019 कैंडिडेट के रिगार्डिंग, ये केस आज पटना हाईकोर्ट में लिस्टेड है, जो कि 97 नंबर पर ये केस लिस्टेड है। तो आज कितने केसों तक सुनवाई हो पाता है, चलिए हम आपको शाम तक अपडेट बताएंगे इस केस के बारे में, क्योंकि केस नंबर 97 ज़्यादा ही नंबर लग रहा है सीरियल नंबर, इसलिए इस केस को आज भी सुनने जाने की संभावनाएं बहुत कम है। बाकी डिपेंड करता है पटना हाईकोर्ट पर क्या न्यूज़ आता है, कैसे कैसे होता है, जैसे ही आता है तो हम आपको बताएंगे। ज़रूर जुड़ जाइएगा चैनल से, जितना जल्दी न्यूज़ आता है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे खबरों को लेकर के। थैंक यू।